बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं आपको अपने चैनल वीडियोस फैन में खुश आमदीद कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप जैज़ कैश का जो वीज़ा डेबिट कार्ड है वो आप ऑनलाइन कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी वीडियो की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो है किसी भी ब्राउज़र पर जाकर, जैसे मैं क्रोम पर जाता हूँ, आपने गूगल में लिखना है जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड ऑर्डर। ये लिखेंगे तो नीचे आप आते जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा होगा ऑर्डर नाउ। तो यहाँ इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे जहाँ से आपने वीज़ा डेबिट कार्ड जो है ऑर्डर करना है। फोर स्टेप है यहाँ में फुलफ़िल करने हैं। तो सबसे पहले हम पहला स्टेप है वो फुलफ़िल कर लेते हैं। यहाँ पर अपना आप जो मोबाइल अकाउंट नंबर है, मतलब जिस पर आपका जो जैज़ कैश का जो मोबाइल अकाउंट बना हुआ है, वो आपने यहाँ पर नंबर लिख देना है। और यहाँ पर CNIC नंबर लिख देना है, वो वाला नंबर लिख देना है कि जो CNIC नंबर जिस पर आपका जो जैज़ कैश का जो मोबाइल अकाउंट नंबर है पर वो रजिस्टर्ड है, तो वो वाला आपने NIC नंबर यहाँ पर लिख देना है। तो एक तो आपका जो जैज़ कैश का जो मोबाइल अकाउंट होना ज़रूरी है ऑर्डर करने के लिए, और दूसरा ये है कि आपके अकाउंट में जो है 599 रुपये होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके अकाउंट से रियल टाइम पर कट आउट कर लिए जाएंगे जब आप इस टाइम ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इंफॉर्मेशन इंटर कर चुका हूँ, अब मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज जो स्टेप टू होगा वो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने खुलेगा कि जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो जो आपने नंबर लिख चुके हैं ये पहले नंबर पे होगा, फिर NIC होगा, फिर आपका नाम ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाएगा जो कि NIC के मुताबिक, जो NIC पर लिखा हुआ होगा वो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन ये होगा कि आपने अल्टरनेट नंबर लिख देना है। यहाँ पर आप लिख लें या नहीं लिख लें, लिख लें तो अच्छा है, नहीं लिखें तो मसला नहीं है। ईमेल लिखनी है आपने यहाँ पर अपनी, लिख लें तो अच्छा है, नहीं लिखें तो मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपने जो उसका नंबर लिखना है जिसने आपको जैज़ कैश वीज़ा डेबिट के लिए जो है रेफ़र किया था। यहाँ पर आपने अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है सिंपल। तो फ्रेंड, जैसे ही आप अपनी सिटी सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा डिलीवरी टाइप्स में कि आपने अपने घर पर जो है अपने एड्रेस पर जो है ये ऑर्डर करना चाहते हैं, या फिर आप जो मोबलिंग बैंक ब्रांच है उधर आप ऑर्डर करना चाहते हैं। तो जहाँ पर भी आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद जैसे मैं डिलीवरी टू ओन एड्रेस, डिलीवर टू ओन एड्रेस पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो ये आपने फुलफ़िल करना है, यहाँ पर आपने पूरा एड्रेस लिख लेना है। यहाँ पर नियर बाय लैंडमार्क में, लैंडमार्क में आपने जो भी आपके घर के करीब जो मशहूर जगह वो आपने लिख लेनी है। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें कुछ भी जो आपकी जो भी प्लेस है, जो भी एरिया है आपका, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल कर चुका हूँ। अब आपने उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर जो है क्लिक कर देना है। तो प्लीज़ इंटर, कुछ एक चीज़ रह गई है मेरी। तो अब मैं इंटर कर चुका हूँ, जो मेरा एक कॉलम डब्बा रहता था मैं फिल कर लिया। अब मैं नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दूँगा तो मैं अब नेक्स्ट पेज पर चला जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ स्टेप नंबर 3 पे। तो इस तरह आपकी सारी डिटेल आ जाएगी लिखी हुई। तो अगर आप अदर देन जो है जैज़ या वारद नेटवर्क जो है आप अगर ये ऑर्डर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले जो है अपना जो जैज़ कैश का जो मोबाइल अकाउंट है वो अनलॉक करना पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ इन्होंने, और फिर उसके बाद आगे जो है आप क्लिक कर देंगे। तो मैं यही यूज़ करूँ तो मैं वेरीफाई एड्रेस एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो उसके बाद ये कह रहा है, पॉपअप आया कि आप अपना पिन लिखें यहाँ पर। पास ऐसे पॉपअप आएगा कि थैंक यू, प्लीज़ चेक कंफर्मेशन SMS फॉर डिटेल। देखें, मेरे पास SMS भी आ चुका है कि हैज़ बीन पेड, जो भी आपकी फीस है वो पेड हो चुकी है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स, मैंने स्टेप 4 भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो देखें, ये लिखा हुआ है, थैंक यू, योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन प्लेस फॉर पर्सनलाइज जैज़ कैश वीज़ा डेबिट कार्ड, यूर रिक्वेस्ट जो भी है ये नंबर और वन सक ऑर्डर इस प्लेस, ये सारा का सारा जो भी है डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। तो यही है कि
रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट नंबर इज़ ये आ जाएगा, दिस कार्ड विल बी डिलीवर टू योर एड्रेस विद इन 15 वर्किंग डेज में जो है ये कार्ड जो है मिल जाएगा। तो जैसे ही ये कार्ड डिस्पैच होगा तो SMS जो है आपको सेंड कर दिया जाएगा आपके नंबर पर विद ऑर्डर ट्रैकिंग ID। उसके बाद अगर आपके पास पहले से Jazzcash का जो डेबिट कार्ड है तो वो जो है ऑटोमेटिकली खुद ही ब्लॉक कर लिया जाएगा, आपको खुद ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आप यहाँ पर क्लिक करके विज़िट कर सकते हैं। तो मैं Jazzcash का जो वीज़ा डेबिट कार्ड है वो ऑर्डर कर चुका हूँ, तो मैं अभी चेक करूँगा स्टेटस अपना, चेक करूँ के दिखाऊँ। तो ट्रैक योर ऑर्डर आपने लिखना है उधर गूगल के ऊपर जाकर, ट्रैक Jazzcash वीज़ा डेबिट कार्ड ट्रैक योर ऑर्डर। तो उसके बाद आपने यहाँ पर अपना जो अकाउंट नंबर है वो लिख देना है, और अब मैं लिख चुका हूँ। तो अब ये लिखें ये के 6-digit पासकोड हैज़ बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर। तो आपने ये जो भी आपके नंबर पर आया वो आपने यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर उसके बाद मैंने इंटर किया तो देखें आपके सामने लिखा हुआ, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट इज़ इन प्रोसेस, योर कार्ड विल बी डिलीवर विद इन द 15 वर्किंग डेज ऑफ योर ऑर्डर। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा प्रोसीजर है कार्ड को ऑर्डर करने का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और कमेंट में अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं मेरे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि आपको इस तरह की जो भी मेरी वीडियोज़ हैं उनके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।